हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रहलाद सिंह भाटी, अपना जो यूट्यूब चैनल है हॉर्स राइडर प्रहलाद किंग, उसके लिए ये लाइव फ़िलहाल मैं आपके साथ यहाँ का थोड़ा व्यू शेयर कर देता हूँ कि जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहाँ नज़दीक में जो नेचुरल जो जंगल है और जो वेदर है उसके बारे में आप देख पा रहे हो अभी। और ये जो यहाँ पे काउ फॉर्म है नज़दीक में, तो उनके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। वो ऊपर में जो है मेरे बॉस का घर है और ये एक लेडी ओनर है इस फॉर्म की, तो उनका घर है और उन्हीं इसी लेडी ओनर के जो ये हाउस है ये हमें मिला हुआ है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे रहता हूँ फ़िलहाल। आपको मैं थोड़ा कैमरा घुमा के पूरा यहाँ का व्यूज़ दिखा देता हूँ, उसके अपना जो आगे का स्टोरी है वो शुरू करता हूँ। तो धीरे धीरे मैंने यहाँ से वॉकिंग शुरू किया है और ये यहाँ पे हमारा 3 नंबर स्टेबल है बहुत ही क्लोज में, और ये हमारे पास घर है यहाँ का जो हमें मिला हुआ है कंपनी की तरफ से। और बहुत ही खूबसूरत वेदर आपको नज़र आएगा यहाँ का। और ये फ्रांस का लीजीव सिटी है जो करीब पेरिस से 2 घंटे का रास्ता पे है। तो आज की डेट और टाइम मैंने आपको बता दिया है 2022, और ये बहुत ही खूबसूरत व्यू यहाँ का आप देख रहे हो। मेरा जो यूट्यूब चैनल है हॉर्स राइडर प्रहलाद किंग, उसके लिए ये वीडियो स्पेशली मैं हॉर्स रेसिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए बनाता हूँ मोस्टली। तो यह बहुत ही खूबसूरत व्यू देख रहे हो यहाँ पे, और मैं आगे आपको थोड़ा डिटेल्स में यहाँ के जॉब्स के बारे में भी बताऊँगा और यहाँ के जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में, सब के बारे में मैं बताने की कोशिश करूँगा आप सभी फ्रेंड्स को। मैं प्रॉपर तरीके से बता के अगर कुछ हेल्प होती है किसी की तो उसके लिए मुझे भी बहुत खुशी होगी। फिलहाल जो हॉर्सेसिंग से जुड़े हुए उनके लिए ये बहुत ही खूबसूरत व्यू, क्योंकि बहुत सारे हॉर्सेस जो हैं यहाँ पे ट्रैक के पास ही फॉर्म में खड़े हैं, आप ये साइड भी देख पाएंगे। तो फिलहाल टाइम 6 प्लस हो रहा है, मैं वॉक करना चाहूँगा इस ट्रैक के अंदर से, लेकिन बारिश की वजह से ये बहुत ही गीला हो गए हैं, मुझे थोड़ा आगे तक जाना पड़ेगा क्योंकि सब जो हॉर्सेज हैं वो इधर इस जगह पे ही है। तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए मैं इस वीडियो को रोकता हूँ, फिर मैं आगे थोड़ा ठीक तरीके से आगे चला जाता हूँ, तो फिर उसके बाद मैं वापस ऑन करता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन के साथ कोशिश करूँगा कुछ बातें शेयर करने की, जो मोस्टली इंडिया से जो जितने भी हॉर्स रेसिंग से जुड़े हुए हैं या फिर किसी और जॉब के लिए भी विदेश में अपनी जगह ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए मेरा थोड़ा, क्योंकि मैं प्रोफेशनली किसी कैमरा के साथ या कुछ एयरफोन वगैरह यूज़ करके या माइक यूज़ करके मैं वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, तो इसके लिए माफ़ी। मैं टोटली वीडियो जो है वो अपने हैंडफोन से सेल्फी बनाता हूँ, और जो भी उसका जो एडिटिंग करता नहीं हूँ, जो भी रहता है वो ओरिजिनल वीडियो वैसे ही मैं डाल देता हूँ। तो फिलहाल ये हमारे पास घर है और हम थोड़ी ऊंचाई पे हैं, ये जो रेसिंग ट्रैक बना हुआ है यहाँ के, हवाएं तेज चल रही है तो मुझे आपको एक्सप्लेन करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं कैमरा मेरे दोस्त से क्या आपको थोड़ा हवा का भी अंदाज़ा लगेगा। और मैं अगर पीछे का कैमरा रखूँगा तो इधर अभी जो सूर्य जो ढलने जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा अंधेरा टाइम आएगा। मैं थोड़ा वॉक करना चाहता हूँ इधर दूर तक, जिससे कि ये कि वापस जाऊँ तो अच्छा व्यू रहे, यहाँ की लंबी बात होने वाली है, तो इसलिए फिलहाल जो प्रोसेसिंग से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो देख रहे हैं या फिर किसी की हेल्प लेके यहाँ आना चाहते हैं, और ज़्यादातर जो मेरे यूट्यूब के फ्रेंड है या फेसबुक फ्रेंड है या इंस्टाग्राम फ्रेंड है, उनको पता है कि मैं काफ़ी जॉब्स के बारे में बताता हूँ, और नए नए देश में जाके मैं पहुँचता हूँ तो मैं वहाँ देखता हूँ कि मैं किस प्रोसेस से आया हूँ, कैसे आया हूँ, फिर मैं होता है मेरे जाने वालों की, मेरे क्लोज फ्रेंडों की मैं हेल्प भी करता हूँ, रिश्तेदारों की भी हेल्प करता हूँ और उनको यहाँ लेके आता हूँ। और
रही बात, देखो दुनिया बहुत अलग तरीके की है, तो उस तरीके से सबको अपना अपना देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसी बात में आप समझ गए रहेंगे, ठीक है। रही बात, मैंने काफ़ी जगह ऐसी जगह ढूंढी है अपने हॉर्स राइडर्स के लिए, जहाँ पे शायद कोई नहीं पहुँच पाया था या किसी ने नहीं ढूंढ पाया था कोई, और वहाँ पे मैंने लोगों को खड़ा भी किया है बहुत जगह। बाकी एक रास्ता जो क्लियर रहता है, जो कि आज जब 90 से जो दुबई का है, सब लोग जा रहे थे, आज भी जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन मेरी खोज रहती है कि मैं ऐसी ऐसी नई जगह ढूंढूं जहाँ पे कोई नहीं गया हो, या फिर बहुत कम लोग हों और कोई किसी की हेल्प न करता हो, या कोई अपना मतलब किसी अपने तरीके से या पर्सनल लाइफ में बिजी रहता हूँ। तो वो हिसाब से मेरा एक टारगेट रहता है, एक मकसद रहता है कि मैं मेरा एक सपना भी है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा देशों में जाके काम करने का मौका मिले। और अभी मैं थोड़ा अच्छा व्यू आ रहा है, तो मैं पीछे का कैमरा करता हूँ और अपनी बात को आगे रखता हूँ। तो फिलहाल जो मेरा टारगेट रहता है कि मुझे अच्छे से अच्छे देशों में जाना, हॉर्स रेसिंग से जुड़े हुए जॉब्स ढूंढना, और उनमें मेरे चाहने वाले, मेरे खास प्रिय मित्र या मेरे जो फैमिली या रिलेटिव, उनकी मैं हेल्प भी करता हूँ, और उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों की हेल्प करता हूँ एज ए बिजनेस के तौर पर, सबको पता है इसकी। और तो फिलहाल बहुत टाइम से जो चल रहा था वो दुबई चल रहा था, एक टाइम यूके चला, ज़बरदस्त चला, फिर यूके ने सडनली स्टॉप कर दिया। उसके बाद मुझे नहीं लगा कि किसी देश में ज़्यादा चला होगा, गल्फ को छोड़ के, जैसे दुबई, कतर, कुवैत, मस्कट, सऊदी अरबिया, इनको छोड़ के। और जो मेरा जो फर्स्ट कंट्री था वो सिंगापुर था, लेकिन सिंगापुर में मैंने ट्राई किया 2-3 लड़के लोग का, अनफॉर्चुनेटली उनका काम नहीं हो पाया और मैं अकेला ही रह गया वहाँ पे 5 साल तक। उसके बाद जब मैंने मेरा नया जॉब चेंज किया, तो मैं फर्स्ट बंदा था साउथ कोरिया में हॉर्स रेसिंग में एज ए इंडियन, और एज ए राजस्थानी तो डेफिनेटली रहूँगा ही। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बनाई, और वहाँ पे काफ़ी लोगों को जॉब भी मिला, और उसका जो काफ़ी फ़ायदा जो है मेरे अपने समाज के युवाओं को हुआ, ये भी मुझे गर्व है, सेल्फ हैप्पीनेस है, तो वो भी एक बड़ी बात है मेरे लिए। लेकिन फ़िलहाल उसके बाद मैं जापान गया, तो जापान 2015 में जब साउथ कोरिया चला था 14 में, तो करीबन 15 में जापान धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था, और जापान 15 से लेके 22 तक बहुत चला, ठीक है, और आगे भी चलेगा, और बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे के बैठा है जापान बैठा है, तो हमें गर्व है कि जापान मतलब काफ़ी लोगों को जो है वो रोजी रोटी लगा के बैठा है, तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है कि जापान के साथ हमारी गवर्नमेंट के अच्छे रिलेशन हैं। अब आते हैं मेरा जापान का 3 महीने का एक्सपीरियंस, और जब से मैंने साउथ कोरिया जो छोड़ा है उसके बाद का जो 20 का कोविड जर्नी, और इसके अलावा स्ट्रगल रहा थोड़ा बहुत, कोई खास हार्ड वर्क नहीं था, लेकिन मैंने ट्राई किया बहुत जगह पे, आप रशिया का देख लो, लेकिन वहाँ पे सैलरीज कम थी, लोगों के लिए बहुत वैकेंसीज है, मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया। अभी मैं लूँगा रशिया के लिए भी, लेकिन अभी वो यूथ के हिसाब से वो थोड़ा परफेक्ट नहीं रहेगा। इसके अलावा आ जाते हैं अपने इस पे बाकी देशों पे, जहाँ पे हमने नया नया जो एंट्री हुआ था, भगवान भला करे, वो प्रताप साका की प्रबत साका की जिन्होंने एंट्री मारा, और उसके बाद धीरे धीरे लोगों का यहाँ एंट्री शुरू हुआ, और मैं भी यहाँ पहुँच गया। यहाँ आने के बाद काफ़ी लोगों की हेल्प हुई है, वो भी एक बड़ी बात है, और धीरे धीरे अपने युवा लड़के लोग जो हॉर्स रेसिंग से जुड़े हुए वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ बहुत सारे जॉब्स आएंगे, ये श्योर है, बहुत सारी नौकरियाँ आएंगी यहाँ पे, और बहुत सारे लड़के आ सकते हैं जिनका तरीका भी मैं क्लियरली बता देता हूँ। अब कौन तो किसकी जाके कि आप इससे कांटेक्ट करो, या ट्रेनर का कांटेक्ट कौन देता है यहाँ जाके, कौन किसकी जाके डायरेक्टली हेल्प करता है, हेल्प यहाँ कोई किसी की नहीं करता फ्री में, ठीक है। रही बात बहुत सारे, और हेल्प करेगा भी क्यों, कोई किसी की हेल्प करेगा भी क्यों फ्री में, कहाँ, ये तो आज के ज़माने की कोई बात ही नहीं रही है, तो ठीक है, कोई इतना बड़ा समाज से भी नहीं है, सब अपना अपना देखते हैं भाई मेरे, सब देखते हैं, ठीक है। और कुछ ज़्यादा और कम देखने वाला हम है, तो वहाँ उसमें अप डाउन कर सकते हो आप। मेरा कहने का सीधा मतलब है, जो होशियार लोग हैं या जो होशियार बनना चाहते हैं, जो अपना वो ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं किसी भी देश में कहीं से भी, ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, या वो इग्नोर करेंगे, सामने वाले को प्रोसेस नहीं रहेंगे,
नहीं पता रहेगा तो इग्नोर करेगा, वो अलग बात है। लेकिन आप जैसे एग्जांपल मैं इस देश में हूँ, यहाँ आपने किसी से कांटेक्ट किया और वो आपका प्रोसेस नहीं हो रहा है और आपने टोटली मेरे ऊपर गारंटी के साथ डाल दिया कि अभी आप ही हेल्प करो और कोई नहीं, तो उसमें मैं सामने आ सकता हूँ, मैं हेल्प कर सकता हूँ। नहीं तो क्या आधी पूरी बात में तो फिर मैं जाके आप मेरे से शेयर करोगे उसका नंबर कॉन्टैक्ट और फिर आपका उसके पास नहीं होगा तो आप मेरे ऊपर डाउट कर दोगे कि यार आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। तो मैं नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैंने भी एक दो लड़के का पहले इधर किया था, तो मैंने भी सामने वाले बंदे को जिसको बोला उसके ऊपर मैंने भी डाउट किया, तो ये स्वाभाविक है डाउट करना। तो ये एक इशू है। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि बहुत सारे लोग आ गए अभी, तो यहाँ करीबन 20 से 25 लोग हैं राजस्थानी, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे आप अपने बारे में जॉब ढूंढवा सकते हो यहाँ की। मेरे भी टच में, मैं भी मेरे जितने लोगों का साथ हूँ उनकी हेल्प ही करता हूँ, इसमें क्या है, ठीक है। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि मेरे लड़के लोग भी आए यहाँ पे, और इसके अलावा भी बहुत ऑप्शन बनेंगे अभी आने वाले टाइम में, और सिर्फ इसी देश में नहीं, इसके अलावा भी मेरी भी कोशिश है कि एक दो देश में और जाके मैं ये जो जॉब के चांसेस है वो बढ़ा दूँ, तो वो भी रहेगा। तो मेरे जितने भी यूट्यूब के या फेसबुक फ्रेंड्स है या इंस्टाग्राम के जो भी है वो मुझे मैसेज वैसेज करते हैं, मेरे को देखने का टाइम नहीं रहता, मैं जानबूझ के देखता भी नहीं हूँ क्योंकि फिर वो लोग जो लेंगे रिप्लाई नहीं, ये नहीं, नहीं तो दब जाता किधर नीचे और छोड़ो। जब मेरे पास रहेगा मौका तो मैं सबका जाके वापस चेक करूँगा और किसको क्या करना है, किसको क्या हेल्प करनी है, वो मैं मेरे तौर पर करूँगा। मैं किसी का दबाव भी नहीं लेता हूँ और किसी के कहने पे भी नहीं, मैं मेरी मर्ज़ी का मालिक हूँ, मुझे जो करना है वो मैं मेरी तरफ से करूँगा और मेरे को किसी से मतलब ही नहीं है, चाहे मेरा कोई भी रहने दो, ठीक है। तो ये बात हो गई। हाँ, मैं इतनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे सकता हूँ कि आने वाले टाइम में जिन जिन देशों के मैं नाम बता रहा हूँ, साउथ कोरिया, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर में बहुत थोड़े कम आएंगे, इसके अलावा मकाऊ में भी थोड़े कम आएंगे, हांगकॉन्ग में भी थोड़े कम आएंगे, जो चाइना वाला रेस कोर्स और ये दोनों मिला के कम ही आएंगे, रशिया में, रशिया का अभी वॉर का चल रहा है तो उसको छोड़ ही देते हैं, वैसे भी वहाँ इंडियंस को सैलरी कम मिलती है तो रहने देते हैं। इसके अलावा बुल्गेरिया में बहुत जॉब्स आएंगे, क्रोशिया हो गया, इन इन जो दो तीन नए देशेज है इनमें बहुत सारे जॉब आने वाले। इसके अलावा यूरोप हो गया, चिली हो गया, इनमें भी हॉर्स रेसिंग का बहुत बड़ा स्कोप है, और मेरा प्लान है कि मैं आने वाले टाइम में वहाँ विजिट हूँ, विजिट होके मैं मेरे ऊपर पहले खर्चा करता हूँ, मेरे पैसे से मैं जाता हूँ, मैं मेरा सब कुछ देखता हूँ, और उसके बाद वहाँ कोई अगर मौका मिलता है तो मैं चार लोगों की हेल्प करता हूँ, तो उसमें मैं मेरा खर्चा भी निकालता हूँ, ये तो नो डाउट है। और इसमें कुछ लोग डेड होशियार लोग कुछ भी सोचते रहेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने हजार काफ़ी लोगों की लाइफें बनाई हैं, तो डेफिनेटली मैं मेरे ऊपर खर्चा करता हूँ तभी जाके मुझे पैसा मेरा मिलता है, तो उसमें कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। और रही बात मेरे जितने टच में रहेंगे, मैं जिनको पसंद करता हूँ, जिनकी राइडिंग भी, जिनके डॉक्यूमेंट्स भी, जो डेड होशियार नहीं है, जो चाणा नहीं है, जो अपने तौर पे मतलब एक स्वाभाविक जो मन का अच्छा बंदा है, उसका डेफिनेटली हेल्प होता है, और तो वो हिसाब से। लेकिन मेरा कहना सबको है कि अगर कोई किसी की हेल्प लेके भी नहीं जाना चाहे ना, ज़्यादा डेड होशियार अपने तौर पर भी जाना चाहे ना, वो जा सकता है, वो कम से कम किसी का वेट तो ना करे और फिर किसी को बुरा भला तो ना कहे, अपना तौर पे निकल तो जाएंगे, तो वो भी एक चांस हो सकते हैं। तो फिलहाल देखते हैं आगे फ्यूचर क्या बनता है, लेकिन और भी मैं वीडियोस डालते रहूँगा जो मुझे मेरे पास न्यूज रहेगी जा जा की। फिलहाल एक इन्फॉर्मेशन है कि बहुत सारे जॉब्स आने वाले हैं फ्यूचर में, तो आप लोग उसके लिए अपने पेपर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार रखिए, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से बना के रखिए, ओरिजिनल पेपर रखिए, और ओरिजिनल के साथ अपना सीवी पूरा बना के, पूरे फोटोज़ वीडियोज़ लगा के आप अगर तैयार रखेंगे या किसी को आगे भेजेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि आपको फ्यूचर में जॉब मिलने का चांसेस अच्छा रहे। नहीं तो फिर आपके पास, आपने 10 साल नौकरी भी की है, आपके पास किसी का लेटर, क्लब लेटर या जो भी एक्सपीरियंस लेटर रहते हैं वो है ही नहीं। जैसे कोई स्कूल जाता है बंदा, 10वीं तक पढ़ता है और 10वीं की मार्कशीट टीची उसके पास है ही नहीं, तो वो क्या काम का है मेरे को ये बताओ, और कौन बोलेगा कि वो पढ़ाए, ठीक है ना, उसने जब ली नहीं या वो ऐसे स्कूल में पढ़ा ही नहीं जहाँ पे मिलता ही नहीं है, तो ये चीज़ें नहीं होगी। आपके प्रॉपर जो भी रहेगा उस हिसाब से आपको हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, आपको जॉब भी मिलेगी, सब कुछ होगी, ठीक है ना। और बाकी ज़रूरत रहेगी, आप नहीं कर सकते अपने तौर से, आप किसी की हेल्प भी लोगे तो डेफिनेटली लेनी पड़ेगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिलहाल ये बहुत ही खूबसूरत व्यू, अभी 7 बज रहा है शाम का, सूर्यदेव जो ढलने जा रहे हैं, और ये व्यू है फ्रांस का, फ्रांस के लिए सिटी का, और देखो आने वाले टाइम में कौन किसके थ्रू कितना हेल्प होता है, किधर से कौन कैसे, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा सबका,
और मैं तो चाहता हूँ कि हॉर्स रेसिंग में सबको चांसेस मिले और मेरा टारगेट यही है फिलहाल कि मैं एक एक दो दो साल कहीं ना कहीं नए नए देश में जाके करके, अब मेरा टारगेट रहता है मैं पहुंच गया तो दो चार लोगों को पहुंचा के अपना चला जाने का, आगे और भी आगे देखने का। तो ये एक पर्सनली मेरा माइंडसेट है ऐसा, तो ये किसी के सिखाने से या किसी से उधार लेके नहीं रखा है, ये मेरा पर्सनल माइंडसेट है, पर्सनली मेरी थिंक है, पर्सनली मैं ऐसे सोचता हूँ। और वो मैंने जो स्ट्रगल किया है, मुझे क्या क्या तकलीफें हुई है या मुझे कितना परेशानी होता था बाहर के लिए, वो इजी करने के लिए कि हाँ मैंने कुछ करके मैं आज चार पांच देशों के मैं जॉब कर सकूँ, तो ये सबसे बड़ी बात। आने वाले टाइम में और भी दो चार देश हैं जिनका लोग भी कॉन्टेक्ट ढूंढ सकते हैं, मैंने बताया जिन नामों पर, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो मैं कहीं ना कहीं विजिट होता हूँ ना, तो वहाँ से कहीं ना कहीं तो मैं कुछ ना कुछ निकाल ही लेता हूँ। हाँ, वो लक के ऊपर कि किनका कहाँ काम हुआ या नहीं हुआ, वो उनके ऊपर डिपेंड रहता है मोस्टली। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, और भी वीडियो बनाया जा सकता है। आज मैं थोड़ा फ्री माइंड में था और काफ़ी अच्छा व्यू था, छुट्टी में था, संडे था, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ वीडियोज़ बना के यूट्यूब पे डालना चाहिए। मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड लोग हैं वो बोल रहे थे कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन का वीडियो डालें। मैं पहले साउथ कोरिया में भी डालता था, लेकिन बीच में मैंने छोड़ दिया था, कुछ अपने ही पर्सनल वीडियो डालता था ऐसे ही। और आने वाले टाइम में बहुत वीडियो आएंगे, जो न्यूज़ मुझे पता रहती है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता रहती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ जब मेरा मूड रहे। ओके, तो ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन और दूसरा जॉब्स देखने वाले और सेशिंग में ही दूसरा मिल सकता है, ग्रूम वगैरह का, वो भी यहाँ चांसेस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे देश हैं। मुझे लगता है कि 2023 बहुत बहुत भारी आने वाला है हमारे सब के लिए। अब सबसे बड़ी बात है, मैं स्टार्टिंग में कहना भूल गया कि कल दीपावली है, दीपावली की सभी को शुभकामनाएं। ये दीपावली से कल से स्टार्ट हो कि आने वाला हर साल बहुत अच्छा है, बहुत सब लोग की हेल्प हो और सब लोग अपने नौकरी पे भी रहे और सबके लिए अच्छी अच्छी बात रहे। और सबसे बड़ी बात है कि आज हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को क्रिकेट मैच में बहुत ही रोमांच तरीके से हराया, उसमें मैं बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ विराट कोहली का। हाँ, डेफिनेटली मैं तेंदुलकर और MS धोनी जडू का तो हूँ ही वैसे ही, और साथ में हार्दिक पांड्या को भी मैं आज से पसंद करने लगा हूँ कि वो आज एक अच्छा प्लेयर है। इससे पहले उसने बहुत कुछ किया है, लेकिन एक तरीके से मैं आज उसका मतलब सपोर्टर हूँ, तो ये भी एक बड़ी बात है। लास्ट में मैं बोल रहा हूँ तो खुशी की बात है। स्टार्टिंग में वीडियो थोड़ा मैं स्लोली स्टार्ट करता हूँ, मेरा धीरे धीरे जिगरा खुलता है तो मैं काफ़ी चीज़ें बोलता हूँ। फिलहाल मैंने आपको पहले गायों के बारे में बताया था, वो गायों का फॉर्म है वहाँ पे, तो वाइट कलर में जो है वो वहाँ पे गाय जो सर रही है, और ये हमारा घर है। तो मेरी कोशिश है कि धीरे धीरे आप सबको यहाँ के वेदर और यहाँ के जो मौसम का क्या बोलते हैं अपना घोड़ों के जो पैड हैं उनके बारे में बताने का। फिलहाल बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो, 20 मिनट्स का वीडियो हो रहा है, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा लंबा पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा एक और वीडियो डाल के, जब मैं पूरे पेपर के बारे में डिटेल्स में बता के पूरा आपको डालूँगा। फिलहाल ये एक हैप्पीनेस न्यूज़ है दीपावली के तौर पे, आप समझ लेना इसको। तो बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग, मेरे वीडियो ज़रूर देखें, मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें। मेरा चैनल बहुत पुराना है, लेकिन मैं पहले ये इंटरेस्ट नहीं लेता था कि उसको शेयर करें या सब्सक्राइब करें। तो 2011 से मैं सिंगापुर से चैनल चला रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी फॉलोअर बढ़ाने का या फिर मैंने नहीं बोला कि मेरा शेयर करें। मैं पर्सनली डॉक्यूमेंट्स वीडियोज़ याददाश्त के लिए डालता था, लेकिन अभी मुझे मेरे काफ़ी वीडियोज़ हो गए हैं और काफ़ी अच्छे इस वीडियो में हेल्पफुल भी डालता हूँ। तो मेरी उम्मीद रहेगी आप लोगों से कि आप मेरे चैनल को जो है आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय।